करता हूँ। इसको लेकर क्या ख्याल है आप? ये तो गौ माता का गोबर है, आप पता नहीं आप जर्सी का ले आए कि भैंस का ले आए। अच्छा, अभी ये भेद भी हो जाएगा। बिल्कुल भी। सो वेलकम टू माय सब्सक्राइबर टू योर वॉइस हैदराबाद सीरीज चैनल। सो गाइस, फाइनली एक वीडियो लाया हूँ अनिरुद्ध आचार्य जी के ऊपर, और अब तो ऐसा है कि मतलब ये एक्सपोज पे एक्सपोज होते जा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो फनी थी, लेकिन उसमें बहुत चीज हमको सीखने मिली थी, तो आप लोग मेरे चैनल में जाके देख सकते हो उस वीडियो को। तो आज भी उसी तरीके की एक वीडियो लाया हूँ गाइस आप लोगों के लिए, और इसमें पता चल रहा है कि ये अभी भी जो इनके भाषण थे, मतलब कुछ भी जो इनके भाषण थे, तो उस पर लोगों का अभी जो गुस्सा निकल रहा है, और या इनको लोग एक्सपोज करने वाले हैं। ये अब न्यूज़ रिपोर्टर्स के पास आके अब जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें लोगों ने जब सवाल किया तो इनके खुद का पोपट होने लगा। तो गाइस चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो, और देखते हैं कि हम लोग कुछ ओपिनियन रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरा मेंबरशिप भी जरूर ले लेना, क्योंकि मैं अनुभव गोदी मीडिया और ऐसी कई तरीके की वीडियोस DHH के ऊपर रिएक्ट करता हूँ, आप लोगों की ओपिनियन मांगता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। करता हूँ, इसको लेकर क्या ख्याल है आप? ये तो गौ माता का गोबर है, आप पता नहीं आप जर्सी का ले आए कि भैंस का ले आए। अच्छा, अभी ये भेद भी हो जाएगा। बिल्कुल भी। तो आप तो इसके जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, आप तो देख कर बता देंगे किसका है। नहीं, ये सब देख के बताने की चीजें नहीं है। फंस कैसी है? कैंसर ठीक होने की बात कही है। मैं अभी लाइव या रिकॉर्डेड इस पे चैलेंज करता हूं, मरीज इनका मॉनिटर मैं करूंगा, कैंसर है, जांच कराऊंगा, ठीक करें। जिस दिन मरीज ठीक हो जाएगा, जांच करके मैं चेक करूंगा, मैं आज से डॉक्टरी छोड़ के इनका चेला बन गया। डॉक्टर साहब, अभी मजा आएगा ना। आप लोगों को याद ही होगा, मतलब एक वीडियो था, मतलब इनका इन्होंने बोला था कि गोबर खाने से कैंसर सही होता है, तो ये उसके ऊपर बात हो रही है। तो हम लोग अभी आगे ये वीडियो को पूरा देखेंगे, और जो जो चीज़ें हम लोगों को लगेगा हम लोगों को ओपिनियन रखना है या बात करनी, तो हम लोग बीच बीच में भी करते रहेंगे, और आप लोग भी इस पूरी वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है गाइस। दोस्तों, शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है, और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, इन बाबा को आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, और जब देखा होगा फालतू की बातें करते हुए देखा होगा। इन बाबा का ये कहना है गोबर से कैंसर ठीक हो जाता है, गोबर से अच्छी चमड़ी होती, यानी गोरे हो जाते हैं, गोबर से ना जाने क्या क्या हो जाता है इनके हिसाब से। उसी को लेकर मीडिया में इनको बुलाया गया है, और ये कुछ लोग हैं जो इनको एक्सपोज करते हैं। इन्होंने जो कहा उसको बारी बारी से इनको एक्सपोज किया है, इनकी बातों को बिल्कुल झूठा साबित कर दिया है। लाइव देखने वाले हैं इस वीडियो को आप, तो चलिए वीडियो में बने रहना है, करते हैं वीडियो स्टार्ट। खुद ही ले आता हूं उसको और यहां रख देता हूं, क्योंकि इस चर्चा के केंद्र में वो भी रहने वाला है। ये पता नहीं लोगों के लिए कितना महत्व का है कि नहीं, मैंने ये जरूर देखा है कि मेरे घर गांव में इससे लीपा जाता था, लेकिन ये सौंदर्य की भी वस्तु होने वाला है, इससे फेशियल भी किया जा सकता है। इसमें अगर गेहूं के दाने पड़े हुए हैं जो कि गाय खा लेती है और डाइजेस्ट नहीं होते, वो इसी में निकल जाते हैं कई बार गोबर में, उसको निकाल कर पीस कर और वो बांझपन का या निसंतान होने का इलाज भी हो सकता है, उसका निदान भी हो सकता है। ये इससे पहले मैंने कहीं सुना नहीं था, और अनिरुद्धाचार्य जी ने ये बात कई बार कही है, तो जरा उनसे इस बारे में भी चर्चा होगी। इसको लेकर क्या ख्याल है आप? ये तो गौ माता का गोबर है, आप पता नहीं आप जर्सी का ले आए कि भैंस का ले आए। अच्छा, अभी ये भेद भी हो जाएगा। बिल्कुल भेद है। तो आप तो इसके जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, आप तो देख कर साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट। नहीं, सब देख के बताने की चीजें नहीं है। ये फंस कैसी है? इसी गाय का गोबर ही शुद्ध है, लेकिन ऐसे देख कर पता नहीं चलता। नहीं, ये पता चलता है, उसके भी गुण होंगे, पर वो यहाँ पे कहाँ लिबर्टी लिया है हम आपकी। वाकई में यार गजब टोपीबाज बाबा है, मतलब इनको ये नहीं पता पड़ पा रहा है किसका गोबर है, मतलब रोज गोबर खाते हैं और यही नहीं पता पड़ पा रहा किसका गोबर है। और हम दूध पीते हैं ना, तो हमें पता लग जाता है कि हम गाय का दूध पी रहे हैं आज या फिर भैंस का दूध पी रहे हैं, मतलब हम इतना कभी नहीं पीते लेकिन हम फिर भी पता लगा लेते हैं। लेकिन ये रोज गोबर खाते हैं लेकिन फिर भी पता नहीं लगा पा रहे ये गाय का है या भैंस का है। और भाई कॉन्फिडेंस दिख रहे तुम लोग, कॉन्फिडेंस। ये वो बोले पता लग जाएगा, लेकिन उसके लिए लेबोरेटरी लेके आओ, मतलब ऐसा कैसा पता लगता है भाई, गोबर देके कैसा पता लगता है। गजब तो भी बाज आदमी। आप एलोपैथिक दवाइयां खाते हैं कि नहीं खाते हैं? हमें जरूरत है दवाइयों की। नहीं, आपके आसपास वाले किसी को कभी बीमार हुआ तो आप क्या कहते हैं?
कि किसको दिखाओ जाकर? हम तो यही कहते हैं डॉक्टर को दिखा लो। और डॉक्टर इसको मानते नहीं है जो आप कह रहे हैं। ऐसा है, देखिए आज के 100 साल पहले तो कोई डॉक्टर नहीं था। 10,000 साल पहले सुश्रुत महर्षि, हाँ ना, अगर आए तो वेद में ही आ गए ना। आप भी वेद में नहीं है क्या? शास्त्र की बात कर रहे हैं तो वेद में ही थे। अरे भाई, भारत का रिसर्च किया, भारत का हर डॉक्टर सुश्रुत और चरक का संतान है। भले हम मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करें, आयुर्वेद प्रैक्टिस करें, वो वैदिक वैदिक परंपरा की नहीं, लेकिन उन्होंने डॉक्टर, जब आप वैदिक परंपरा पे आ गए तो मान लीजिए कि साइंस बाद में आया, वेद पहले आया। वेद से विज्ञान हुआ ना कि विज्ञान से वेद हुआ? वैज्ञानिक थे। वही वैदिक वैज्ञानिक इसको भी बता गए हैं कि गाय के गोबर शक्ति है। कहाँ पे लिखा हुआ है? किस संहिता में लिखा हुआ है? मैं आपको बता दूंगा, हजार जगह, महाभारत पढ़ लीजिए आप। संहिता बताइए, चरक, सुश्रुत, बागभट, इनकी संहिता बताइए, श्लोक बताइए, मैं अभी प्रूफ करता हूं। आपने मेरे को पहले बोला होता ना कि विषय है, मैं लेके आता आपको दिखाने। एक चीज पहले बोला होता ना कि विषय है, मैं लेके आता आपको दिखाने। अभी तक आपने जो वीडियो देखा है वो वीडियो का ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है आगे। अगर आप पिक्चर देखना चाहते हैं वीडियो का तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना होगा। तो चलिए दिखाते हैं आगे के भी आपको क्लिप। आप जब कोई चीज ताजी खाते हैं उतनी बढ़िया नहीं है। इस बात को भीतर से खूब समझ रहे हैं कि बिस्किट में मैदा चीनी के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन आपको इसमें नहीं क्या ये विष की तुलना हो सकती है? जहर से तोल सकते हैं भाई। बेटा ये बच्चे को माँ क्या बोलती, लड्डू खा ले नहीं हवा आ जाएगा। तो हवा क्या है, कोई याद थोड़ी जाता है। दीवारों के कान होते हैं, तो आपकी दीवारों के कान है? तो आपने तो मुहावरा इस्तेमाल किया ना, क्योंकि गजब तो बीमारा। तो गाइस सुन लो, वो एक मुहावरा था, क्योंकि हम लोग सही बात है कि अगर दरवाजा दीवार के कान में तो दीवार के कान तो होते नहीं, लेकिन एक कहावत है। तो उसी तरह वो विस किट, और जो बिस्किट रियल में तो बिस्किट है, लेकिन इन्होंने बिस्किट कर दिया था, तो ये एक मुहावरा था कि वो जहर है, ठीक है ना। तो ये इनके मुहावरे ही थे वो सब, कुछ रियल बात नहीं थी वो। विश हिंदी का वर्ड है एंड बिस इज इंग्लिश। बिस्किट का मतलब बेसिकली है कि मैदा अच्छा नहीं होता, हाँ, पर वो विष नहीं है। अरे भगवान, नहीं अच्छा होता तो मत खाओ। हाँ, बात तो वही है, दृष्टिकोण से समझ लेते हैं। आंशिक रूप से अनुराधाचार्य से मैं सहमत हूँ, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। पूर्ण रूप इसको कहते हैं चीप पॉपुलस थियोरी। कुछ ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी करो, विषकूट इस टाइप का कुछ करो जिससे आप पॉपुलर हो जाओ। नहीं पॉपुलर मंडलेश्वर आपसे आकर पूछने लग जाते हैं कि विज्ञान तो छोड़ो, विज्ञान तो छोड़ो, आप तो शास्त्र में भी एनक्रोच करते हो। आपने बता दिया कि शिव जी जो हैं वो उनके जीजा हो गए कृष्ण। दिखाओ वीडियो कहाँ है? आपने फिर माफी किस चीज की मांगी भाई? कई बार गलती ना होने पे भी माफी मांग लेना समझदारी होती है, ये तो समझो। यदि आपके पास प्रूफ है तो दिखा दीजिए आप। नहीं तो आपने ये कहा नहीं और आपने माफी मांग ली, और इतने हमारे माफी मांगने से समाधान निकल रहा है तो निकाल लो ना। कई दूसरी बात जो कैंसर ठीक होने की बात है, चाहे गोबर गाय का हो, भैंस का हो या किसी का हो, गोबर गोबर होगा। लेबोरेटरी की बात इन्होंने कही है, कैंसर ठीक होने की बात कही है। मैं अभी लाइव या रिकॉर्डेड इस पे चैलेंज करता हूं, मरीज इनका मॉनिटर मैं करूंगा, कैंसर है, जांच कराऊंगा, ठीक करें। जिस दिन मरीज ठीक हो जाएगा, जांच करके मैं चेक करूंगा, मैं आज से डॉक्टरी छोड़ के इनका चेला बन गया। डॉक्टर साहब तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? वीडियो अच्छा? तो भाई सही में अगर ये सब चीज सही है तो इनको ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और फिर आगे तो आपको पता ही है, ठीक है। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, सबसे पहले तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग हंसना चाहते हो, अनभक्तों को देखना चाहते हो, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये अनभक्तों के बारे में, सच्चाइयों के बारे में, मजाक के वे में लेकिन हंसने के वे में ये सच्चाई आप तक लेके आता है। अब बात करते हो ओपिनियन की, तो गाइस अगर मैं तो यही बोलूँगा कि अगर ये सच्चे है, यानी इनका जो ये जो बातें करते ये सच्चे है, तो ये चैलेंज एक्सेप्ट करें जो डॉक्टर ने बोला है, और कैंसर के पेशेंट को इनके वे में सही करके दिखाया, तो ताकि लोगों का पैसा बच जाए भाई। जो कीमोथेरेपी होती है वगैरह वगैरह, जो भी कैंसर के लिए थेरेपी होती है, उससे काफ़ी लोगों का पैसा बच जाएगा, और वो फिर यही सब खा के अपने कैंसर को सही करेंगे। तो
तो आप लोगों को क्या लगता है, इनको चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपके पास कुछ और भड़ास है तो आप लोगों के पास कमेंट सेक्शन है, आप लोग उसमें निकाल सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अपने चैनल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज।